हरियाणा में रैशनलाइजेशन और ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्कूलों में छात्र और ग्रामीण इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर मैदान में उतर चुकी है। इसी कड़ी में आज बजाना खुर्द के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सरकार की रैशनलाइजेशन नीति का विरोध किया। ग्रामीणों और आप नेता ने स्कूल में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी की महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष अनु कादियान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की वजह अध्यापकों की कमी को पूरा करना बता रही है, जो कि साफ साफ झूठ है। सरकार को अध्यापकों की कमी पूरे करने के लिए स्कूलों को बंद नहीं बल्कि स्थायी भर्ती करनी चाहिए। कादियान ने कहा इस सरकार की नीतियां ही सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करने वाली है। वही कादियान ने कांग्रेस को भी रैशनलाइजेशन का जिम्मेदार ठहराया। 5 स्कूलों को बंद करने का जो आदेश दिया खट्टर सरकार ने, तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और वैसे तो मोदी सरकार ये नारा देती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे बेटियां कैसे पढ़ेंगी? तो देखिए, जब तक दोबारा से स्कूल नहीं खोलेगी सरकार और ये अपना आदेश वापस नहीं लेगी, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और गांव के लोगों का भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो सरा है इसमें देखिए, अच्छा भी क्या है, आप देख सकते हैं कि और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे टाइम में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और जो कि आज कांग्रेस इस चीज़ का क्रेडिट लेने की सोच रही है कि भी मतलब इस मुहिम में ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है कि हम भी शामिल हो, तो वो सरासर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज़ की जिम्मेदार है। उन्होंने भी 400 कुछ अपने टाइम में स्कूल बंद किए थे। देखिए, हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे और जो भी हमारी आगे की रणनीति होगी वो मीडिया को बता दी जाएगी। वहीं इस दौरान आप नेता महेंद्र छिक्कारा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रयास कर रही है, अगर ऐसा हुआ तो गरीब वर्ग अपने बच्चों को शिक्षित करने से वंचित रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो पार्टी का विरोध जारी रहेगा। ये प्राइमरी स्कूल है, इसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, किसान के पढ़ते हैं। सरकार की ये जो नीतियाँ हैं ना, गलत है। इस स्कूल को बंद कराया जाएगा, इनमें इतना की तो बेचारे में ना तो कोई नौकरी पेशा है, उनके माँ बाप दो रहे, ना कोई जमींदारा है, ना कुछ है। वह गरीब आदमी लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। स्कूल की वो सरकार की जो नीति है स्कूल के प्रति बंद करने की, ये कति गलत है। इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं तो शिक्षा मंत्री ने भी ये कहूँगा, बड़े बढ़िया टीचर छोड़ो भाई, जो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आवे, ये ज़्यादा ज़्यादा जब टीचर आड़े दो हैं तो कैसे काम चलेगा? आप देखो सरकार की नीति है प्राइवेट तरफ बाजी, सब कुछ प्राइवेट में, ऐसे कैसे काम चलेगा? बता दें, हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र के जरिए रैशनलाइजेशन तय किया है। इसके अंतर्गत कम से कम 45 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत ही स्कूल में बच्चों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पद निर्धारित करके तबादले भी किए जाएंगे। विभाग ने ये व्यवस्था 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए लागू की है, जिसे लेकर हरियाणा भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।